학생들 그러면 아는 게 있으면 기존권 되는가? 3학년. 3학년 아야? 그거 때문에 나래. 누사? 안 나온 거 갈매 나가? 니는 몰래 나래. 안 나온 거 몰래 기 3학년. 사다야 님매 몰래 기 3학년. 어린이가 몰래 나래. 그렇구나 이네. उसके बाद फिर कुछ करने लगे जो कभी नहीं किए थे वो सामर्थ्य आया उसके बाद लोग करने लगे आज के बाद यीशु के नाम से जितने लोग यहाँ बैठे हो आज के बाद आप अपने सामर्थ्य को देखोगे अपने सामर्थ्य को बोलोगे अपने सामर्थ्य को काम में लाओगे के बाद
दूसरा हर एक दिन लोग नया प्रकाशन को पाते हर दिन एक वचन को बार बार प्रचार नहीं करते करते भी तो हमेशा प्रकाशन को पाते थे प्रकाशन मिलता था प्रकाशन उनके मन में आता था आपके मुंह में आता था आपके स्वभाव में आता था उनके अगो में आता था विश्वासियों में आता था और उस प्रकाशन को वे लोग पाते थे इसी बड़े बड़े काम आसानी से कर पाते थे हालेलुया तीसरा यीशु मसीह जाने के बाद उनके पास एक नाम था जो हर दिन उस नाम को लेना बंद नहीं किए उस नाम को लेना जो बंद नहीं किए उस नाम को हमेशा लेके चलते थे उस नाम को हमेशा बोलते थे उस नाम के लिए हमेशा गीत गाते थे उस नाम से प्रार्थना करते थे उस नाम से सब कुछ करते थे और हर दिन चमत्कार चमत्कार छुटकारा सामर्थ लोग वचन बदलाव परिवर्तन सब कुछ दिखता था आमेन हालेलुया हालेलुया इसका मतलब अभी जिस युग में आप जी रहे हैं आपके युग में तीन बड़े बड़े मशीन परमेश्वर ने आपके लिए लगा दिया है पहला पवित्र आत्मा का फुलनेस पवित्र आत्मा बोलिए पहला पवित्र आत्मा का भरपूरी प्रकाशन अति यीशु का नाम लेकिन पुराना नियम में यीशु नाम नहीं था पुराना नियम में पवित्र आत्मा भरपूरी नहीं था पुराना नियम में प्रकाशन भी नहीं मिलता था इसीलिए सामने में लिखा है कभी कभी दर्शन मिल जाता था वचन दुर्लभ था कभी कभी जीवित रेमा वचन लोगों को मिलता है पवित्र आत्मा का भरपूरी यीशु मसीह आने से पहले नहीं था लोगों के पास वो प्रकाशन नहीं था कभी वो दर्शन मिल गया कुछ हालेलुया प्रभु का आवाज आ गया प्रभु का कुछ चीज दिखने लगा तो सामुएल हो यशायाह हो यिर्मयाह हो कोई भी प्रभु का जो नबी होता था वो चल कर लोगों को बात करते थे इसीलिए पुराने नियम में बहुत कम चमत्कार होता था या हुआ भी तो मेजर चमत्कार हुआ पर यीशु मसीह जाने के बाद प्रेरित जो थे वैसा नहीं थे वे लोग प्रेम की करते थे हे परमेश्वर हालेलुया मेरे घर में बीमार आया मैं इतना लज्जा में हूँ इतना बड़ा कर लिया डॉक्टर ने रिपोर्ट बताया है ऐसा मेरे बच्चों में है मेरे घर में ऐसा है मेरे शरीर में ऐसा है मेरे चर्च में ऐसा है मेरे बिजनेस में ऐसा है मेरे आर्थिक दुनिया में ऐसा है शिकायत नहीं करते थे क्यों क्योंकि उनको पता था कि उनकी सामर्थ्य उन पर आया उनको हर दिन कुछ दिखाता था हर दिन कुछ बोलने बोलता था हर दिन कुछ चीज में कर पाते थे क्योंकि पवित्र आत्मा का भरपूरी प्रकाशन का अधिक मिलना और यीशु नाम को हमेशा लेते थे जिससे हर दिन अपने चमत्कार को वो देखते थे दूसरे बताने लिया तो पता है कि प्रभु के दास बड़ा भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कर रहे थे हमें अभी अंत के समय में जी रहे हैं कौन से समय में और अंत के समय में सबसे ज्यादा डेथ स्पिरिट काम करेगा मृत्यु जनन आत्मा ज्यादा काम करेगा हॉस्पिटल में भी लोगों को मार दिया जाएगा कोविड में देखा आपने कितने लोग क्या हो गए उससे ज्यादा होने वाला है याद रखो उससे ज्यादा होने वाला है इसीलिए हॉस्पिटल का आधा ज्यादा मत डालो दवाई का आधा ज्यादा मत डालो ज्यादा इन क्षेत्रों में एकदम ज्यादा मत पड़ो लिमिट रहो क्योंकि आप उसके लिए बनाए नहीं गए हो आप बनाए गए हो आपने चमत्कार को हर दिन देखने के लिए हर दिन बोलने के लिए हर दिन करने के लिए आप वो व्यक्ति नहीं कि आपको कोई मारे आप वो व्यक्ति नहीं कि आप जीवन भर लड़का रहे आप वो व्यक्ति नहीं जीवन भर दुखी आदि विचार बने रहे आप वो व्यक्ति है आप हर दिन चमत्कार देखेंगे आप हर दिन चमत्कार बोलेंगे आप हर दिन चमत्कार करेंगे यीशु के नाम से हालेलुया चमत्कार देख सकते हैं कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे यूहन्ना की इसको समाचार 16 अध्याय यूहन्ना का समाचार 16 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे 16:14 वो मेरी महिमा करेगा यीशु कहता वो मेरी बातों में से तुमको बताएगा जो कुछ पिता का है वह सब मेरा
मेरा है इसलिए मैंने कहा कि आप वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा सब लोग बोलिए यीशु के बारे में और कौन से काम? और ये चमक का, चमक
जब रात को 4 बजे में सोया हूं, जब मैं प्रभु के सामने प्रकाशन को मैं हृदय प्रभु के लोग में पहचान रहा था, पढ़ रहा था, तो प्रत्येक में आनंद ले रहा था आत्मा में विश्वास यहाँ चमत्कार ढूंढ रहे, वहां ढूंढ रहे हैं अपने चंगाई को, बोल रहे प्रभु कुछ तो मेरा बरसा दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो कर दे। वो बोला चमत्कार ऊपर नहीं है, प्रभु ने बोला तेरे लोगों को सिखा चमत्कार उनके अंदर में, चमत्कार धरती में ही है। हालेलुया, हमको परेशान
गना कुछ मोबाइल से कुछ गंदा फोटो देख लेते हो, नहीं चाहते देखना देख लेते हो, आप कुछ गंदा गाना सुनते नहीं चाहते हो कुछ गा लेते हो, आप लोग कुछ खाना नहीं चाहते हो कुछ खा लेते हो, आपको लगता है प्रभु मुझे दया कर दया कर दया कर, मैं फिर से पवित्र होना चाहता हूँ, आप दो दिन पवित्र रहेंगे फिर गिर जाएंगे फिर ऐसे होते रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रभु के लोग साल का रोगी जैसा 30 साल भी रह सकता है,
पर जब आप उस नाम को समझ जाते हैं, उस दुष्ट को भी समझ जाते हैं कि आपके बस में कैसे हैं, फिर आप बोलते हैं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा, बीमारी, त्रास, गरीबी, अंधकार, जो कुछ मेरे बच्चे, घर, पत्नी, बच्चे, एरिया, कॉलोनी, माँ बाप, जिसके भी जीवन में तू है, यीशु के नाम में रोज उसको डांटेंगे, हुकुम देंगे, अधिकार देंगे। वचन में लिखा है ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति रोज पत्थर मार रहा है कि व्यक्ति रोज क्या करता है, हम लोग वो मशीन को चलाता है बच्चा के ऊपर में, एक व्यक्ति रोज गर्म पानी को छींक रहा है कोई पेड़ में, और वो पत्ता जलना जाए, वो दीवार गिरना जाए, वो दीवार होलना हो जाए, उसी प्रकार है एक ड्रिल मशीन को रोज अगर कहीं होल कर रहे हो, रोज कहीं पत्थर मार रहे हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कहीं गर्म पानी को इछाड़ में कर रहे हो, और वो कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, एक दिन जल के रहेगा। क्यों? आपके मुंह के, आपके कार्य के, उस यीशु नाम के द्वारा। आमीन। हालेलुया। दूसरे को हालेलुया। हालेलुया। केवल उतना ही नहीं, बाकी 10 पाए पड़ेंगे। दुष्ट आत्मा भी आपके बस में है, इसका मतलब आपको दुष्ट आत्मा शिकायत करना ही नहीं चाहिए। यीशु का नाम है। हाँ, बोलिए सब प्रकार की बीमारी मेरे बस में है यीशु के नाम से। लेकिन आप अपने क्या करते हैं, अरे एक नया बीमारी आ गया, अरे नया बीमारी आ गया, पहले से नया नाम दिया गया। बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज करने वाला को कर दे दिया, घर को बनाने से पहले ही परमेश्वर सारा मेटेरियल आपको दे दिया, भविष्य करने वाला, ओझा करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला,
वो प्रभु के लोग एक हालेलुया बहुत सारे जादू विद्या करने वाला वो रात को मानव जो उठे वो दुष्ट आत्मा पर नाम लेते वो आपको कम करता है, आपको सोने नहीं देता है, आपके घर में बीमार को भेजता है, आपके घरों में बहुत सारे समस्या को भेजता है, बहुत सारी योजना बनाते हैं आपके दुश्मनी लोग, आपके और भी जो नहीं चाहने वाले लोग बहुत सारे युक्ति आपके बारे में रखते हैं, वो अपना शक्ति को बढ़ाते हैं और आपको सताते हैं, आपको तब करते हैं, आपको वो करते हैं, पर आप परेशान होते रहते हैं, पर आपके पास कोई तब करने का जरूरत नहीं, जब करने का जरूरत नहीं, कोई ज्यादा पहाड़ नहीं, इधर उधर की जरूरत नहीं, पर इतना आपके मुंह में अंदर में है, आपके दिल में है, आपके हृदय में है, आपके बाइबिल में है, आपके गीत में है, आपके प्रार्थना में है, आपके पति को पता है, आपके बच्चों को पता है, आपके माँ बाप को पता है, कोई लंबा नाम नहीं, छोटा सा नाम यीशु है, आप बोलते हैं यीशु के बात है, सताने वाला दुष्ट आत्मा निकल जा, गरीब दुष्ट आत्मा निकल जा, चालू बना की आत्मा निकल जा, गरीबी की आत्मा निकल जा, श्रापित आत्मा निकल जा, हर पुत्र रोग निकल जा, सभी बीमारी निकल जा, मेरे बच्चों से, मेरे अंदर से, मेरे घर से, मेरे घर से, मेरे लोगों से, अब जब उस नाम को बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, और बाइबल कहती है वो दुष्ट जिस नाम के बस में है उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग हम बोल जाए बड़ा शैतान है, कितने बड़ा भी शैतान हो फिर भी आपके बस में, अरे बड़ा बीमारी है, नया बीमारी, अरे नया बीमारी क्या है, नया नाम आपके पास, हालेलुया। आज के बाद अपने प्रार्थना को बंद, घंटों घंटों बैठ के शैतान से लड़ते मत रहो, जब भी बैठते हो बोलो यीशु के नाम से जा, निकल, तो गेट आउट, फेफड़े को बोलो चंगा हो जा, लीवर को बोलो चंगा हो जा, सिकलीन को बोलो चंगा हो जा, कैंसर को बोलो चंगा हो जा, चर्चा को बोलो आउट, हर प्रकार की रुकावट को बोलो, शत्रु का युक्ति संक्रमण को बोलो, यीशु के नाम से निकल 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 निकल, बोलते रहो बोलते रहो, जब तक मन आपका शांत ना हो, जब तक आपको मन में ऊर्जा ना आए, जब तक आपको सेटिस्फाइड ना लगे, जब तक आपको लगे यही तो सबसे बड़ा प्रार्थना है। शैतान बोलता है अरे तू प्रार्थना ज्यादा करना, परंतु यीशु नाम से प्रार्थना मत, अपने नाम से भी मांगना पर यीशु के नाम से मत। इसलिए यार विश्वासी लोग आप परेशान रहते हैं, इसलिए तुम्हारे बहुत से काम को शैतान रोक देते, बहुत से अधिकारी तुम्हारे काम को रोक देते, बहुत से सताने वाले लोग तुम्हारे ऊपर और उपद्रव करते, क्यों? क्योंकि जो बस सब कुछ यीशु नाम के बस में है और वो नाम आपके पास है, आप उसका उपयोग करना नहीं चाहते। कोई बड़ा कलेक्टर का बेटा है, जब कोई शादी में रोकेगा या कोई बड़ा नेता साथ हालेलुया उसका बेटा जो पूरे पलकार जब पता है मैं किसका बेटा हूं, जान जाएगा तो और लगा भी छोड़ेगा, बोलता है किसका है भाई, कार्ड दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया, पता चला अरे फलाना का बेटा है, छोड़ देता है। जब संसार में एक व्यक्ति के नाम से इतना अधिकार कर सकता है, तुम्हारे पास तो राजाओं का राजा, सब नामों से और सारे धरती पर, सारे आकाश पर, सारे आदमियों पर, सारे चीजों पर कोई अधिकार करता है। जब वो नाम है तो कितना लोग आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कितना आपके लिए लोग रास्ता नहीं खोलेंगे, कितना आपके लिए प्रभु के लोग हल्ले वंचित नहीं खोलेगा, लेकिन तब खोलेगा जब उस नाम को उपयोग करना सीखो। चमत्कार ऊपर से नहीं आता, चमत्कार आपके अंदर से ही बाहर आता है, चमत्कार आपके अंदर है, अपना ढूंढ रहे चमत्कार को, ऊपर ढूंढ रहे, किसी व्यक्ति में ढूंढ रहे, किसी के हाथ से ढूंढ रहे, किसी के और कोई जगह से ढूंढ रहे, किसी को और कोई चीज से ढूंढ रहे, मत ढूंढो, क्योंकि चमत्कार आपके ही अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, योहन्ना 14:14 यदि तुम मुझसे कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, तो उसे मैं करूंगा।
इसलिए जब तक जीवित हो इस नाम के लिए गाऊंगा, इस नाम के लिए
नए पौधे मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। और आखिरी में जब इतने साल जीवित थे, जब बुजुर्ग होकर व्हीलचेयर में बैठे थे, एकदम पूरा शरीर सिकुड़ गया, अच्छी उम्र जिए, उनको एक बार बड़ा कांग्रेस ने पूछा गया कि बिली ग्राहम जी, अगर अभी भी आपको मौका दिया जाता तो आप क्या करते? क्या बोला मालूम है? अगर अभी मरते मरते भी अगर मुझे नरक में प्रचार करने का मौका मिलता, कहां पर? इंसान के बीच में नरक में मुझे प्रचार करने का मौका मिलता, सिर्फ कितने दिन? 3 दिन मौका मिलता, पूरा नरक को मैं बदल देता ईश्वर के नाम से। इसका मतलब है उस नाम की सामर्थ को जाना था, उस नाम की सामर्थ को पहचानना था, उस नाम की पूजी को जानना था कि नरक भी उस नाम के सामने ही जाता है और नरक भी उस नाम के सामने को छोड़ देता है, नरक भी उस नाम के सामने क्या जाता है वो शर्म आता है, सब कुछ उस नाम के बस में है। एकलौती थी, उसको कोई औलाद नहीं था और वो बहुत रोती थी, मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी।
एक दिन यीशु नाम का प्रकाशन मिला कि वो चमत्कार नाम है, जिसके अंदर वो नाम है वो बोलेगा, वो नाम करेगा, मुंह से बोलेगा होगा, आंख से देखेगा होगा, मन से बोलेगा होगा, बाइबल उठाकर बोलेगा, गुरना देख के बोलेगा, चल के बोलेगा, उंगली दिखा बोलेगा होगा। और जैसे प्रॉफिट के पास हो गए, रोने लगी, बोले प्रॉफिट जी मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। आपको बताऊं, जैसे ही रोने लगी हुआ यीशु के नाम से, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, जैसे ही बोला फिर मना को बच्चा कितना महीना था। जब घर गई पति देखा 6 महीने आगे से 1 साल पति का दिमाग था, बोला तुरंत चल हॉस्पिटल, बोला बोला आ गया, कुछ बड़ा बीमार हो गया, पेट फूल गया, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर सब कुछ किया, देखा 6 महीना का बच्चा कितना महीना चल रहा है, बोला ललिया आज ही तो कंसीव हुआ, तो बोला 6 महीना का बच्चा कैसे हो गया, डॉक्टर परेशान थे। हालेलुया, उसके अंदर 9 महीना के बाद जुड़वा बच्चा हुआ, कुछ सालों बाद जुड़वा बच्चा हुआ, कुछ सालों बाद और बच्चा हुआ, कम से कम 6 से 7 बच्चे लड़का लड़की होते गए। अब पति परेशान हो गया, बोलता इसको बंद कैसे करें। आपको मैं सच्ची गवाही बता रहा हूं, हालेलुया। आपको क्या लगता है यीशु के नाम से कोई चीज कठिन है, यीशु के नाम से कुछ चीज नामुमकिन है, यीशु के नाम से कुछ भी संभव है? ये कैसे हो सकता है? जब आदम को प्रभु ने सुलाया, इतना बड़ा आदम को, और उस आदम के अंदर से नर में से नारी निकाल सकता है, या पेट में बच्चा नहीं आ सकता? हालेलुया। दूसरा मसला बताता है उसको, आपको पर यीशु का नाम बोलना है, कर्जा आपको डिप्रेशन में डाला है यीशु का नाम बोलना है, कोई आपको बदनाम करना चाहता है उसका नाम उसके नाम उस पर बोलना करो, कोई तुम्हारे जमीन को हड़पना चाहता है यीशु के नाम से जमीन पर कब्जा करो, कोई तुम्हारे काम को फ्रैक्चर कर रहा है अधिकारी का नाम से यीशु का नाम घोषणा करो, क्योंकि जो कुछ यीशु के नाम से आप मांगते हो पिता उस नाम से आपको देता है। आप थोड़ा आगे चलते हैं, समय देखते हैं। तो प्रेतों के काम में, प्रेतों के काम पहला अध्याय पर तीसरा अध्याय में यीशु नाम का प्रकाशन मिला। कितने लोग समझ रहे, चलो बोलिए, पहला अध्याय में इंतजार किए, दूसरा अध्याय में परिपूर्ण हुए, तीसरा अध्याय में यीशु नाम का प्रकाशन था। चलो क्या प्रकाशन था? हाँ देता हूं, कौन से नाम से जो से बोलो, कौन से नाम से, कौन से नाम से, कौन से नाम से, हाँ यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे देता हूं। चल फिर, हाँ उठाया, हाँ बल आ गया, उनके साथ कहा हो गया। कितने लोग चाहते हो आज के बाद हर कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ आपके मंदिर में आना चाहिए, आपके साथ हर संडे कोई ना कोई मंदिर आना चाहिए? कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो? अगर आदमी नहीं आया तो आपका गवाही आना चाहिए, अगर गवाही नहीं आया तो कम से कम आपके चमत्कार आपको सुनाई देना चाहिए। अब आप चमत्कार के इंतजार दूसरे से मत करो, ऊपर से मत करो, और कोई शाखा से, कोई चीजों से, हॉस्पिटल से मत करो, आप इस नाम का प्रकाशन को समझो। पहला अध्याय में इंतजार किए उस नाम का सामर्थ्य प्रकटीकरण को, दूसरा अध्याय में वही सामर्थ्य से भर गए, वही सामर्थ्य से भर गए देखना बोलना करने वाला, और तीसरा अध्याय में उसी नाम को लोगों को देने लगे, लोगों को नाम देने लगे, बीमार को नाम देने लगे, दुष्ट आत्मा को ऊपर नाम देने लगे, श्रापित व्यक्ति, पापी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, जन्म से लगा व्यक्ति, जो थक चुका है, हार चुका है, उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हुआ है, लोग उसको सोना चांदी पैसा सब दिए थे लेकिन कुछ नहीं बदला था, तरस बोला मेरे पास एक नाम है, मैं नाम को जानता हूँ, मैं नाम का प्रकाशन पाया हूँ, मैं नाम का सामर्थ्य भरा हूँ, मैं नाम का इंतजार कर रहा था, वो मुझे मिल गया।
का नाम है और बोला वही नाम तो देता हूँ तू भी ले निर्णय आसान होगा वो भी लिया वो भी आसान हो गया वो भी उठ गया वो भी बल पाया वो भी खड़ा हुआ वो भी चलने लगा वो भी प्रभु का महिमा गाने लगा प्रभु का पढ़ाई करने लगा हालेलुया हालेलुया जन्म से लग रहा कब से लग रहा क्या हो गया बल पाया खड़ा हो गया आपको पता है प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग हर संडे फ्राइडे को आते हैं और आप उस नाम को लेते हैं उसके सामने घुटना टेकते हैं और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आज डर के मार जीवन जी रहे हैं बीमार का डर है उनको जादू टोना का डर है उनको कर्जा का डर है उनको रिश्ते का डर है उनको शत्रु का डर है उनको सब कुछ है शांति नहीं आज भटक रहे हैं लोग शांति ढूंढ रहे हैं चमत्कार ढूंढ रहे हैं चमकाई ढूंढ रहे हैं रास्ता ढूंढ रहे हैं मंजिल ढूंढ रहे हैं सब कुछ ढूंढ रहे हैं फिर उनको नहीं मिल रहा है कौन उनको देगा मंजिल कौन बताएगा उनको मंजिल कौन बताएगा चमत्कार कौन पहुंचाएगा उनका चमकाई को कौन पहुंचाएगा उनके अगर आपने चमत्कार को आप ही को जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ईश्वर नाम नहीं है आपके पास ईश्वर नाम है आपके मुंह में ईश्वर नाम है आपकी जुबान में ईश्वर नाम है आपकी बातों में ईश्वर नाम है हालेलुया वही नाम हो सकते आप बताओ कोई भीख मांगे तो आप क्या देंगे पैसा देंगे या कुछ चादर दे देंगे या रोटी दे देंगे या जो कुछ आपके पास है बड़े से बड़े होकर वो दे देंगे परंतु क्या आप चमत्कार दे पाएंगे चमत्कार दे पाएंगे आप चंगाई दे पाएंगे आप गवाही को दे पाएंगे लेकिन जिसके पास इस नाम है वो हर दिन हर शाम हर सुबह हर जगह हर व्यक्ति को चमत्कार दे सकता है वो चमत्कार कर सकता है वो छुटा कर सकता है वो छुड़ा सकता है वो बचा सकता है वो उठा सकता है वो निकाल सकता है उनको रास्ता बता सकता है उनको भटकने से बचा सकता है नरक जाने से रोक सकता है क्यों सिर्फ ईश्वर नाम को दे हालेलुया जोर से बोल हालेलुया जोर से बोल हालेलुया जोर से बोल हालेलुया इस नाम को प्रभु के लोग हालेलुया उन्होंने पाया और उसी नाम को क्या करा उस नाम के लड़ा को क्या करे देने लगे और उस सिद्धि का आज 16 पद वर्ण होता है लिखा है उस सिद्धि का 12 पद था हाँ लोगों से कहा आपके अंदर के हर चीज को बनाएगा
लाइन से गवाही लगा दो मित्र, अब वो गवाही सुनना नहीं चाहता। पास्टर आप प्रार्थना किए ऐसा चमत्कार हुआ, अब वो गवाही सुनना चाहता हूँ आज से। मैंने इसको नाम लिया चमत्कार हुआ, मैंने इसी पर आप घोषणा किया, वो चंगा हुआ, वो उसका काम निकला, उसकी नशा छूटा, उसके जीवन में काम हुआ, उसको जीवन में बदलाव आया, उसके घर बदल गया, वहां पास्टर का हुआ। यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप चमत्कार को ऊपर से इंतजार मत करो, आपके भीतर ही चमत्कार है और वो है यीशु के कितना समझदार है मेरे पास। चमत्कार गाय बाएं पूर्व पश्चिम नहीं, किराना दुकान में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, डॉक्टर पास नहीं, हाँ कोई बैंक में जमा नहीं हुआ है, तुम्हारा असली बैंक तुम्हारे अंदर जमा है। वो क्या है यीशु नाम, हालेलुया। दूसरे को हालेलुया। लेकिन जो निर्बुद्धि है, जो नहीं समझते यीशु नाम का प्रकाशन, उनका लगा है यीशु नाम आप पापियों के लिए देता है। हाँ पापी उद्धार पाओ, सिर्फ उद्धार ही नहीं देता यीशु नाम, यीशु नाम जन्म से लंगड़ा को भी चला सकता है, मुर्दे को भी जिला सकता है, अंधे को वहां दे सकता है, उंगों को बलवा सकता है, फटका हुआ को राह दिखा सकता है, जिसका कोई नहीं उसको राह पथ दे सकता है, जो कमजोर इंसान उसको बलवान कर सकता है, जो दबा है बोझ उसको विश्राम दे सकता है, जो नरक जाना है उसको स्वर्ग पहुंचा सकता है। आश्रम में एक लड़का था, उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए, जवान हुआ, कोई खराब सोला दिया, उसका सोला
हाँ, लोगों में मंदिर का
सुनकर यीशु के नाम को बोलना सीखोगे, यीशु के नाम को घोषणा करना सीखोगे, यीशु के नाम को सामने लाना सीखोगे। फिलिपुस यीशु नाम से बोला लंगड़े चलने लगे, बहुत सारे घूमे फैले, बहुत से रोगी चंगाने लगे, अशुद्ध आत्मा निकालने लगे, और उस गांव में क्या छा गया, इसका मतलब बीमार लोगों को निराश कर दिया, दुष्ट आत्मा निराश कर दिया, गरीबी निराश कर दिया, जागरूकता निराश कर दिया, बेरोजगारी निराश कर दिया, बहुत सारा डर भय सब कुछ निराश कर दिया था। और फिर उसने कहा प्रभु के लोग प्रभु का सृष्टि कैसे निराश ना रह सकते, वो तो आशा का मसीह है, और जब मसीह आता है तो आशा आता है, तो कैसे लोग निराश में दुखी में डिप्रेशन में कैसे नहीं हो सकता। और फिर उसके अंदर जलन आया, उसके अंदर क्या हुआ आपको जलन आता है, किसको जलते आप, किसको जलते हो, जलन आना शराबी को देखकर जलन आती, व्यक्ति कैसा तंग कर रहा है, किसी दूसरा मवाली किसी बदमाश को देखकर जलन आना चाहिए, कैसे आत्मा कलोने को बर्बाद कर दिया, फिर तंत्र मंत्र ऐसे व्यक्ति को देखकर झलक पैदा होना चाहिए कि कैसे लोगों को मान कर रखा है। तुम लोग अपने आप लड़ते झगड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों में, और इतने लोग पड़े हैं फिर तुम देता उसके लिए करना था, तुम्हारे पास सुना मैं, तुम्हारे बच्चे पास सुना मैं, पति पास सुना मैं, माँ बाप पास सुना मैं, यीशु यीशु नाम तुम पा के आपस में क्यों लड़ रहे, तुमको इसलिए यीशु नाम दिया गया है, यीशु नाम इसलिए तुमको दिया गया है, उससे लड़ो जिससे कोई लड़ नहीं सकता। और जब बोलो यीशु के नाम से आनंद छा जाएगा वो घर में, लोग चर्चाने के लिए तैयार होंगे, लोग घुमाने के लिए तैयार होंगे, लोग जीवन पाने के लिए तैयार होंगे, लोग आस्था में जीने के लिए तैयार होंगे, लोग जुड़ना शुरू करेंगे। हाँ हम कुछ मैं लगे तो एक सामान नाम वाले जादूगर था, हाँ हाँ रहने लगा, हाँ हाँ देखकर चौकी होता था। हालेलुया, देखो केवल नगर ही आनंद से नहीं भरा, एक बड़ा जादूगर था सोमन जादूगर, और वो उस यीशु के नाम सुन के फिलिपुस के बातों पर विश्वास किया, उस चमत्कार को देखकर, उस सारे सामर्थ्य कामों देखकर, और वो सोमन जादूगर बड़ा शास्त्रीय भी उस यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। कितने लोग आज के बाद जिला के उन बड़े बड़े शांतिक ओझा को बपतिस्मा में देखना चाहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े खिलाड़ी जो शैतानी खिलाड़ी है, जो सिद्ध किया हुआ खिलाड़ी है, जो स्कर्ट को कब्जा करके रखे हैं, भार को कब्जा करके रखे हैं, वस्त्र को कब्जा करके रखे हैं, इसको तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए, उन बड़े बड़े सोमन जादूगर को बदलने के लिए तुम नहीं बदल सकते, पर तुम्हारे भीतर एक नाम है, मुंह में एक नाम है, जब उस नाम को आप लोगे, उस नाम को घोषणा करोगे, यीशु के नाम से सोमन जादूगर भी आज हमारे कलीसिया में आएंगे, आपके द्वार आएंगे, आपकी बातों से आएंगे, और कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है, और इनका यीशु सच में आ
अद्भुत युक्ति करने वाला है। और हम लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अरे वो काला जादू है, अरे काला जादू तुम्हारे पास सफेद जादू है, अरे वो पाकिस्तान वाला है, अरे वो पाकिस्तान वाला है, तुम्हारे पास पूरा पाक वाला है। सच्चाई मतलब क्या है? उसका वचन। सच्चाई मतलब क्या है? उसका कलवा। सच्चाई
जो सामर्थ्य के लिए आप इंतजार करते थे वो सामर्थ्य आ गया आपके पास, और वो सामर्थ्य इस नाम है और अनुग्रह भी इस नाम है। अब वो चीज आपके पास आ गया, अब आप बताओ आप चमत्कार इश्यू करेगा कि आप इस नाम को बोलोगे और वो नाम से होगा। हालेलुया, वो तो अनुग्रह सच्चाई आपके बीच में आ गया, आपके पास आ गया, तो आप ये को बोलना किसको है, आपको करना किसको है आपको। चलो एक वचन जल्दी से पढ़कर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों के काम 2:22 पर, प्रेरित 2:22। हाँ हाँ, यीशु नासरी एक मनुष्य था, हाँ 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 हाँ, देखो यीशु नाम का व्यक्ति था, उस नाम से क्या होता था, सामर्थ्य काम, आश्चर्य काम, चंगाई के काम, चिन्ह चमत्कार के काम, उद्धार के काम, सारे काम यीशु से होता था। सब लोग बोलिए आमीन, सब लोग बोलिए यीशु के नाम से सामर्थ्य काम, चमत्कार, चंगाई, उद्धार, क्षमा, साइनिंग, वंडर्स, खुशी, एवरीथिंग, सब कुछ उस नाम से होता था। हालेलुया, तो जो काम पहले परमेश्वर करता था वो यीशु को दे दिया, अब यीशु आया और वो सब कुछ करने लगा, अब यीशु करके सब कुछ करके चला गया। अब पढ़े वचन प्रेरितों के काम 5:12, देखो ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, 2:22 5:12 आपको समझना पड़ेगा। अब 5:12 पढ़ो, यीशु के हाथों से नहीं विश्वासी और प्रेरितों आप चर्च के एक एक व्यक्ति के हाथों से, कितना चीज सब बोले, कितना चीज बोले, बहु चंगाई, चमत्कार, उद्धार, आत्मा जीतना, प्रार्थना, छुटकारा, बहु किसके हाथ से बोलो, मेरे हाथ से। अपने हाथ को देखो अच्छा से, बोलो मेरे हाथ से बहु चिन्ह चमत्कार उद्धार के काम, सामर्थ्य के काम, अभिषेक का काम, सारा काम। हाँ लीजिए लीजिए, हाँ किसके बीच में दिखाए जाते थे, एक समय परमेश्वर दिखाता था, एक समय यीशु मसीह दिखाता था 2:22 में, लेकिन आप 5 के जो 12 पर जो पढ़ रहे हो उस पद में, इसको आपके लिए लिखा हुआ है, आपके लिए प्रॉपर्टी वर्ड है 5:12, ये आपके लिए है, आप लोगों के बीच में दिखाना है। कौन दिखाएगा, बोलो मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, कितने लोग दिखाओगे, पूनम जी कौन दिखाएगा, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ एक चीफ होकर, हाँ एक जगह में इकट्ठा होते थे और वहां पर आप भक्तों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, चर्च के द्वारा, एक एक विश्वासी के द्वारा उनके हाथों से लोगों के बीच में वो भी सेम चमत्कार, सेम उद्धार, सेम चंगाई, सेम सब कुछ उसी नाम से होने लग गया। कितने लोग समझ जाता होगा, चमत्कार ऊपर नहीं है, चमत्कार आपके अंदर है, क्योंकि वो चमत्कार अनुग्रह सच्चाई बन के आपका भीतर आ गया, और वो आ गया है, अब आपका वो इंतजार कर रहा है आपके अंदर में, मेरा बेटा कब मेरा नाम ले, मैं जाऊंगा काम करूंगा, मेरा बेटी कब मेरा नाम ले, यीशु का नाम ले, मैं जाऊंगा काम करूंगा, मेरा चर्च कब मेरा नाम ले, मेरा हालेलुया हालेलुया पास्टर कब मेरा नाम ले, जाओ काम करो। लेकिन आज दुख की बात क्या है मालूम है, हाँ एक वचन आपको पढ़वा सकता हूँ मैं, Luke 10:2, हाँ खत्म होने जा रहा है भाई जल्दी जल्दी, Luke 10:2, शाबाश। यीशु ने उसे कहा, देखो पका हुआ खेत तो बहुत है पर मजदूर कितने हैं, अंडरलाइन कर वो मजदूर कितने हैं, कितने हैं, इसलिए खेत के सोनी से भी बड़े करो, करो कि वह अपने खेत काटने को, काटने को मजदूर क्या भेजते, सब लोग बोलिए मजदूर, मजदूर, मजदूर,
खेत क्या है? खेत संसार है। खेत में कौन कौन है? हर प्रकार के जाता जाति भाषा कुल सब प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार बहन भाई बड़े छोटे। लेकिन पता है इस मसीह को खेत तो पक चुका है पर मजदूर का क्या है? मजदूर कौन है? मजदूर कौन है पता है? क्या मास्टर का कमी है? मास्टर का कमी है कोटा गांव में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, इधर रायपुर तुम मिले तो जाकर खाली प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। बस्तर में चले जाओ मास्टर 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 बिशप 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 रेवरेंट 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 प्रचारक प्रचारक प्रचारक। आज इंडिया में भी मास्टर का कमी नहीं है, प्रचारक का कमी नहीं है, भविष्यवक्ताओं का कमी नहीं है। आज प्रभु के लोग हालेलुया ओ हालेलुया आराधना करने वाले का भी कमी नहीं है, गीत गाने वाले का भी नहीं है। कमी किसका है? मजदूरों का। किसका कमी है? कौन सा मजदूर जानते हो? मजदूर वो है जिस मजदूर के बारे में यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, जो रोज चीख और चमत्कार कर सकता है, जो रोज शाइनिंग एंड वंडर्स कर सकता है, जो रोज यीशु के नाम को यीशु के काम को यीशु के शक्ति को दिखा सकता है। इसलिए पौलुस को मजदूर बना, पतरस को मजदूर बना, फिलिप को मजदूर बना, इसलिए प्रभु को योद्धा बना, सिलास बना। और ये लोग क्या बने? वो मजदूर बने जो मजदूर उस समय कोई बन नहीं पाए, आज संसार को भुलट भुलट कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग बैठे हो सब डॉक्टर हो, बोलो आई एम डॉक्टर, आई एम हीलर, आई एम मिरेकल मैन, आई एम प्रोफेट, आई एम प्रोफेटेस, आई एम पावरफुल मैन। बोलिए मैं सामर्थ्य हूँ, मैं यीशु का हूँ, मेरे पास यीशु नाम है, यीशु का काम है, मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, वही सच्चाई आपकी सामर्थ। अब कौन बोलेगा? परमेश्वर नहीं बोलेगा, यीशु भी नहीं बोलेगा, आपको अब उसका नाम बोले। हालेलुया जो से बोल हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के बहुत से वचन में खत्म कर रहा हूं। अब पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12। ये मैं छुपा कर रखा था यूहन्ना 1:12। ये आपका प्रोफेसी है। परंतु सब लोग पढ़ो इस वचन को, सब लोग खोलो फटाफट यूहन्ना 1:12 खोलो खोलो खोलो, अपना नाम लिख लो इसमें आज के बाद। हालेलुया। परंतु जितनों ने मतलब आपका नाम ले लो, जितनों ने बोलो, जितने जो शब्द आया है ना वहां कैसे पढ़ना है मालूम है। परंतु मैं प्रताप यीशु को ग्रहण किया और उसका संतान होने का अधिकार दिया। पढ़ो 1, 2, 3 पढ़ो। कितना ग्रहण किया उसको? ग्रहण किया कि नहीं? ग्रहण किया कि नहीं? ग्रहण किया तो किधर है वो? अंदर की बाहर? जो से बोलो किधर है? किधर है? किधर है? चमत्कार किधर है? चंद्रकला किधर है? छुपाने वाला किधर है? जी चमत्कार करने वाला कहाँ है? क्योंकि आपने उसको ग्रहण किया, आपने उसको ग्रहण किया और उसी में आपको उसका संतान होने का अधिकार है। मतलब आपका बाप भी चमत्कारी, बेटी बेटा भी चमत्कारी। बाप भी चंगाई दाता, बेटा बेटी भी चंगाई दाता। स्वर्ग भी चंगाई दाता, चमत्कार दाता, उसकी सेवा करने वाले भी चंगाई दाता। इसका मतलब है जितने लोग बैठे हो आप एक एक व्यक्ति डॉक्टर हो, डॉक्टर का मीन समझते हो, एम्बुलेंस नंबर लिखा है, बाद में पढ़ लेना है,
बताओ सेवन पाए हो सेवन करो दस और आठ मिले से कितना होगा भाई एक सौ दस से बोलो दस और आठ मिले से एक सौ एक सौ आठ मतलब क्या है थ्री में पाए हो थ्री में कहां से आए मिले नंबर मत्ती दस आठ पढ़ोगे वहां लिखा है वहां क्या लिखा है बीमार को चंगा करो दुष्टात्मा को निकालो मुर्दों को जिलाओ कोड़ियों को शुद्ध करो फ्री में नाम पाए हो नाम घोषणा करो हालेलुया जो से बोल हालेलुया जो से बोल हालेलुया बोलिए मैं डॉक्टर हूँ इस चर्च का डॉक्टर हूँ मेरे घर का डॉक्टर हूँ मेरे परिवार का डॉक्टर हूँ मेरे दस का डॉक्टर हूँ कौन सा डॉक्टर पढ़ा लिखा वाला नहीं यीशु के नाम वाला डॉक्टर झोला साफ नहीं है ओरिजिनल है हालेलुया जो से बोल हालेलुया तो आप बताओ आप चंगाई का इंतजार करोगे कि चंगाई का कहीं आओ युद्ध में हथियार सजा के रहोगे कि युद्ध इस्तेमाल करके शत्रु को मार के आओगे रोग के अंदर रुला के आओगे हार के अंदर जीत के आओगे और तड़प के अंदर तड़पा के आओगे खाली करके आओगे कि अभी तो निकाल के आओगे तुम्हारे घर में तुम देख रहे हो जितना दुष्टात्मा तुम देख रहे हो कर्जा को देख रहे हो समस्या को देख रहे हो जितना बॉन्डेज को देख रहे हो सिर्फ हालेलुया आप यीशु का नाम लेना शुरू करें यस अपने मुंह खोलो यीशु नाम लो बोलो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 बोलते जाओ यीशु नाम बोलते जाओ और यहाँ पे चमत्कार हो आप डॉक्टर हो आप डॉक्टर हो आप बेड डॉक्टर